दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर हम आ पहुंचे हैं खानों की तलाश में बुलंदशहर। हाय एवरीवन, आई एम आयशा। इस टाइम पे हम मौजूद हैं बुलंदशहर में। हमने तकरीबन 30 साल से मैं बेच रहा हूँ, उससे पहले हमारे वालिद बेचते थे, 80 साल हो गए तकरीबन। आज हम जो बुलंदशहर के स्ट्रीट फूड को यहाँ पे कवर करेंगे, तो उसमें सबसे पहले जो लिस्ट आती है वो है हारून भाई की मोस्ट फेमस कचौरियाँ। हम खाकर ट्राई करेंगे कि ये कचौरियाँ हैं कैसी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मुझे यहाँ व्यक्ति बैठे करीबन 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। पहले हमारे वालिद साहब बनाते थे, उसके बाद में हम बनाते हैं। यहाँ पर डेट हो गई। हाँ, काफ़ी फेमस है, भीड़ रहती दुकान पर बहुत। हमारे पास नंबर भी नहीं आता लोगों का, आधा घंटे का नंबर आता है। सुबह 7 बजे से 4 बजे तक। अच्छा जी, मेरे पास में यहाँ पर आ चुके हैं हारून भाई की मोस्ट फेमस कचौरियाँ, और ये कीमे की कचौरी है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है, गर्मा गर्म कचौरियाँ और काफ़ी क्रिस्पी हैं। ये दो तरह की चटनी दी है, जिसमें एक लाल चटनी है और एक रायता है। तो सबसे पहले जो मैं ट्राई करने वाली हूँ वो रायते से ट्राई करने वाली हूँ। वो बेहद शानदार लग रहा है और इसमें जीरा का बुगार भी है। तो खा के चेक करते हैं कि यहाँ की ये रायता है कैसा। ये हमारा जो बाइट है ये बन चुका है, मैं आपको दिखा देती हूँ। सब खाते हैं। ज़बरदस्त। मतलब इसकी जो स्टफिंग की अगर हम बात करें तो आई थिंक इन्होंने दाल भी मिक्स कर रखे हैं। इसके अंदर कीमा मिक्स है, जो अपने घर का होममेड ही इन्होंने तैयार कर रखा है, और जो टेस्ट है ना वो दुगना हो चुका है। अब मैं ट्राई करती हूँ इनके। ये हमारे पास में ये चटनी है, तो ये लाल चटनी है, इसे खा के चेक करते हैं ये हारून भाई की कचौरी कैसी लगती है। लाल चटनी दी है तो उसमें थोड़ा जो है तीखापन ज़्यादा आ रहा है, लेकिन दही और हरी चटनी का जो रायता है ये मतलब सीरियसली बता रही हूँ, 10 out of 10 वाला मतलब रायता हो रहा है। और कचौरी के बारे में मैं क्या कहूँ, कहा जाता है बुलंदशहर की बहुत ज़्यादा फेमस ये कचौरी है। मैं फर्स्ट टाइम खा रही हूँ, लेकिन फेवरेट हो चुकी है मेरी बहुत ही ज़्यादा। बुलंदशहर वालों की सुबह नहीं होती जब तक ये कचौरी ना मंगा लें, ये चंदू भाई का हलीम ना मंगा लें। आप दूर दूर से खाने के लिए सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि मुझे टेस्ट है हारून भाई की, जो मतलब मोस्ट फेमस कचौरियाँ हैं, कीमे वाली कचौरी, जिसका एक अलग ही जायका है। बुलंदशहर में अगर आप सुबह का नाश्ता करना चाहते हैं, इस कचौरी को मत भूलना। अगर आप बुलंदशहर विज़िट कर रहे हैं ना, तो ये कचौरी ज़रूर खाना बनता है। मतलब इतना बेहतरीन टेस्ट मुझे लग रहा है। मधुबन के जो बड़े हैं, तो स्पेशलिटी मैं आपको बता देती हूँ वो ये, जिस तरह से ये बनाते हैं तो वो टेस्ट इन्होंने बोला है कि आपको पूरी दिल्ली में कहीं नहीं मिलेगा। आके चेक करेंगे मधुबन के दही बड़े। हाँ, मिलेगा ही नहीं दिल्ली में तो आपको। दिल्ली में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मेरा 3 से 3 बजे से और रात को 10 बजे तक। ये मूंग की दाल का बड़ा। ओहो, ये कई इसके अंदर दही, वो भी ठंडी ठंडी, जिसके अंदर इन्होंने अनार भी डाल रखे हैं। अच्छा, ये रहा काला मसाला आपका, जीरा पाउडर है, जीरा मसाला है इसके अंदर। ये नमकीन है, ड्राई फ्रूट इसके अंदर, ठीक है। मैं आपको बता दूं, एक फुल फ्लेवर चाहिए आपको, ड्राई फ्रूट का, दही का, और जो इन्होंने इसके अंदर जीरा डाला है, जिसकी वजह से मतलब टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब जैसे शर्मा जी की
नेहरू प्लेस के शर्मा जी के दही भल्ले बहुत ज़्यादा फेमस हैं, इसी तरह ये बुलंदशहर के सबसे ज़्यादा फेमस मधुबन के दही बड़े हैं, ये सिर्फ इन्हीं के पास में मिलेंगे और कहीं आपको नहीं मिलेंगे। बुलंदशहर में आ रहे हैं तो मस्ट ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। ओ मारा पैसो ले रहा मारा डिंडी जा लाडा लाधे बोनी गली जहे रोहारे मारा पैसो ले रहा मेरा नाम हेम शर्मा है। खस्ता गज्जक स्पेशल खस्ता गज्जक मिलती है, खस्ता रेवड़ी देसी घी में इलायची दाने वाली, और तिलबुग्गा वगैरह मूंगफली की गज्जक, तिल बर्फी और क्रीम रोल, ये हमारा ना दादा लाई काम थी, बहुत पुराना काम है और ये हमारे यहाँ की बुलंदशहर की स्पेशल में बिकती है, ये बहुत बिकती है, बहुत ज़्यादा, ये नोएडा गाजियाबाद बम्बई अहमदाबाद गुजरात बहुत बहुत दूर दूर तक जाती है हमारी गज्जक, यानी कि अमरीका तक भी जाती है। हाँ अच्छा जी, मेरे पास में यहाँ पर आ चुका है तिलबुग्गा और ये काफी फेमस है, तो आंटी ने मुझे यहाँ पे तिलबुग्गा दिया है और ये मतलब मेरे हिसाब से तो मेरा मानना ये है कि दिल्ली में तो नहीं मिलता है ना आंटी, दिल्ली में नहीं मिलता ये, तो इसे खाते हैं यहाँ पर। मैं आपको बता दूँ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मुझे फील हो रही है ना, वो एक रिचनेस इसके अंदर आ रही है, मामा का ज़्यादा यूज़ हुआ है, तिल का ज़्यादा यूज़ हुआ है और ये जो है बहुत ही बेहतरीन लग रही है, मतलब अगर आप बुलंदशहर में आ रहे हो तो ये जरूर ट्राई करना है ना, खाना जरूर और खा के फिर बताना कि कैसा लगा। अच्छा जी, अगला स्पोर्ट जो है हमारा चंदू हलीम, और चंदू हलीम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, माशाल्लाह से तकरीबन ये 80 साल पुरानी इनकी शॉप है और दादा इलाही यहाँ पे ये काम करते हैं और इनका फेमस हलीम इतना है, बड़ों में ही इतना फेमस हलीम नहीं है, बच्चों में भी काफ़ी क्रेज़ है, तो ये अभी मतलब मैंने अमूमन जो देखा है हलीम बनते हुए तो वो मैंने सुबह में देखा है बनते हुए भी, और जो मतलब सेलिंग का भी जो सिलसिला होता है तो सुबह से लेकर दोपहर तक वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन इनका हलीम इतना फेमस है कि 5 बजे से लगाना शुरू करते हैं और रात के 9 या 9:30 बजे तक एंड हो जाता है, मतलब इतना हलीम ये सेल करते हैं और माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी देग है जो ये बनाते हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। और हाँ ये चंदू कहते हैं। अच्छा, इसमें का नाम है तीन देव आ जाता है, तीन देव हलीम आ जाता है। कितने किलो होता है? तकरीबन 40 किलो गोश्त और 20 किलो हलीम और 2 किलो दाल। काफ़ी बड़ी देग है जो चला के दिखा रही हैं, अभी भी इन्होंने ही पलट दिया है, लेकिन इतना फेमस हलीम है तो आप ये देखेंगे, मतलब वहाँ से लेके अंदर तक शॉप तक देखें, काफ़ी रश यहाँ पे लग चुका है। और लो ये हमने तकरीबन 30 साल से मैं बेच रहा हूँ, उससे पहले हमारे वालिद बेचते थे, 80 साल हो गए तकरीबन, प्लेट जब हमने स्टार्ट करी थी जब तो बेचते थे हम 10 पैसे की 5 पैसे की, अब बेच रहे हैं 20 रुपये की 30 रुपये की, अब भी यहाँ रात को बिकता है, जितना बिकता है ना सबका दिन में बिकता है, हमारा शाम में चलता है और काफ़ी दूर दूर तक ग्राहक आते हैं, अभी हमारे डॉक्टर साहब खड़े हैं काफ़ी दूर से, हमें बेचारे सारे गाँवों के लोग आते हैं हमने को ये अड्डा के आए हुए हैं जिला अड्डा के। हाँ हाँ हाँ, और अभी स्टार्टिंग है अभी, हाँ 4:30-5 बजे से 9 बजे तक रात को। हमें कम से कम 20-25 साल हो गए खाते खाते, नहीं नहीं टेस्ट और बढ़िया है जब से इन्होंने अपने हाथ में संभाला चंदू भाई ने, और टेस्ट बढ़ गया है इसमें। हाँ इनके वाले साफ करते थे काम को, लेकिन जब कम बिकता था बहुत बिकता है इनका हलीम। हलीम बहुत बढ़िया है चंदू भाई का और काफ़ी फेमस है,
और करीब करीब 25-30 साल से लगभग ये शॉप है इनकी। यहाँ पर पहले बाहर हुआ करती थी मस्जिद के। हाँ मैं तो काफ़ी बचपन से ही खा रहा हूँ। हाँ हम छोटे छोटे से थे जब आते थे। अब माशाल्लाह 38 की उम्र हो चुकी है मेरी। अब छिड़कते हैं इसके ऊपर नींबू और खाते हैं इसे हम नींबू के साथ में। जो मैं यहाँ पे आई हूँ और मैंने देखा है कि मतलब बनके सिर्फ देख तैयार हुई है हलीम की, जो बच्चे भी बड़े भी और माशाल्लाह से बुज़ुर्ग भी यहाँ पे लाइन में लग गए हैं। तो क्रेज़ बहुत ज़्यादा है चंदू हलीम का। तो इतने अब खाते हैं यहाँ पर। ये देखें इसके अंदर ये बोटी है और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। खाने के बाद में पता चलेगा कैसा ये हमारी चंदू हलीम। बेहतरीन जो गोश्त है ना बहुत साफ सुथरा लगा रखा है इन्होंने। मैंने हलीम में इतना साफ सुथरा गोश्त देखती नहीं हूँ। जैसे कहते हैं ना मतलब एक परफेक्ट हलीम और बहुत ही आला तरीन जिसके अंदर जायका बेशुमार होता है, सेम वैसा ही है। और मैं आपको बता दूँ इनका हलीम सिर्फ यहीं पर बुलंदशहर में मशहूर नहीं है। माशाल्लाह से मैं अभी तक एक कस्टमर आए थे तो वो अहमदाबाद से इसे खाने के लिए आया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये हलीम का टेस्ट कैसा होगा जो अहमदाबाद से इस हलीम को खाने के लिए आया है। जो मुझे फील हो रहा है ना मतलब इस तरह से फील हो रहा है कि जायके में कोई कमी नहीं आएंगे जिस तरह से इनके बड़े इस हलीम को बनाते थे। माशाल्लाह और भी ज़्यादा अपनी तरफ से इम्प्रूवमेंट रहा है जिसकी वजह से जो चाहने वाले हैं वो बढ़ चुके हैं। सिर्फ बच्चों में नहीं बड़ों में भी इसका क्रेज़ देखने को यहाँ पर मुझे मिला है। तो हलीम बहुत ज़्यादा बेहतरीन है ही। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी अगर बुलंदशहर में आ रहे हो ना तो इससे ट्राई बगैर बस जाना मतलब इतना। और आप मेरे पीछे रश देख सकते हैं लग चुका है माशाल्लाह से रश जहाँ पर मैं ये देख रही हूँ। मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है बट जायका बेशुमार आ रहा है तो इसे ज़रूर ट्राई करें ना। ये 8-10 साल हो गए कम से कम बिरयानी कबाब में। कबाब 10 रुपये का और बिरयानी 30 की 250 ग्राम 120 रुपये किलो। कहाँ पे लगाते हैं? कहाँ यहाँ ये हमारे काली नदी रोड बुलंदशहर विजय पेट्रोल पंप के सामने। क्या टाइमिंग है? ये 5 बजे से रात को 11 बजे तक का टाइम। मेरे पास में यहाँ पर आ चुके हैं मोबिन भाई के कबाब और ये कबाब मैं आपको बता दूँ माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा फ्रेश हैं। तो अभी गर्म सीख कर आ रहे हैं तो अब इसे खाते हैं। बिरयानी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है और इसके बारे में बिरयानी का जो टेस्ट आ रहा है ना वो बहुत ज़्यादा कमाल का है। ये मैं ये कहूँगी कि मसाले वाली बिरयानी नहीं है, ये साबुत मसाले जैसे कहते हैं ना एक ऑथेंटिक बिरयानी जिसे हम जानते हैं कि ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं होते हैं। साबुत मसालों के साथ में यखनी का एक अलग इसका टेस्ट आ रहा है। गोश्त बहुत अच्छा है इन्होंने यूज़ कर रखा है, साफ़ सुथरा गोश्त है और जो कबाब हैं बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लग रहे हैं बिरयानी के साथ। बिरयानी और कबाब अगर आपने ट्राई नहीं करें ना तो ट्राई ज़रूर करना, फिर बताना कि बिरयानी कबाब का टेस्ट कैसा आता है। उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिन्होंने अभी तक बिरयानी कबाब नहीं खाया, जो खाते हैं बिरयानी कबाब उन्हें पता है कि इसका टेस्ट कितना दुगना होगा।